everyone, welcome back to the channel. Today we're going to discuss about the study visa journey. Study visa mein kitna wait karna padega as a student to Canada, timeline kya chal rahi hai, refusals aa rahe hain, acceptance aa rahe hain, biometric kaise dena hai, sab kuch discuss karenge is video mein. Agar aap bhi hain jo study visa ke liye wait kar rahe hain to comment down below, wahan pe aap mention kariye ki kis time pe aapne file launch kari, aap kitne din se wait kar rahe hain. Agar aapka study visa aa gaya hai to congratulations, wo aa gaya hai to wo bhi aap comment kariye ताकि लोगों को थोड़ी पॉजिटिविटी मिले. कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. क्विकली बात करते हैं कि मैंने अपनी फाइल सबमिट करी कब थी. तो इट्स नाउ बीन अ मंथ. मैंने एग्जैक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए थे ऑन 1st of February. इट टुक अ होल मंथ जनवरी का पूरे डॉक्यूमेंट्स सब सेट करने में. एंड एग्जैक्टली ऑन 2nd February मैंने अपनी फाइल सबमिट कर दी थी. अब सबमिशन का एक्सेप्टेंस कब आता है, जब आपके पास मेल आ जाए कि दैट यू हैव लॉन्च द फाइल. आपका एक पोर्टल बन जाता है स्टडी वीज़ा की तरफ से, VFS का एक पोर्टल बन जाता है. साथ ही साथ आपको एक रिसीट मिलती है कि आपने ये अमाउंट सबमिट किया अपने स्टडी वीज़ा के लिए. तो आफ्टर ऑल दीज थ्री थिंग्स ओनली यू कैन बी अश्योर्ड कि हाँ चलो मेरी फाइल लग गई है. राइट, आपका एक पोर्टल बनता है. उस पोर्टल में आप डे टू डे आप जाके चेक कर सकते हैं अपने स्टेटस के बारे में कि आपकी फाइल कहाँ तक बढ़ी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द फर्स्ट डे ही आप चेक करिए अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आइट्रेशन रेट को देखें कि 2022 में स्टडी वीज़ा जल्दी अप्रूव हो रहे हैं, लेट अप्रूव हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी जल्दी अप्रूव हो रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड का टाइम है एंड अब काफ़ी सारा बैकलॉग हो गया था पहले, बट वो ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके न्यू फाइल्स को क्लियर कर दें ताकि बैकलॉग वाली जल्दी से निकल जाए. तो डू नॉट वरी, ये बात तो है कि जल्दी हो रहा है. ठीक है, फाइल जा चुकी है. फाइल के बाद क्या होता है, आपको एग्जैक्ट 3 दिन बाद बायोमेट्रिक एक मेल आता है. बेसिकली आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट का मेल आता है फ्रॉम VFS. VFS इज बेसिकली इन एम्बेसी काइंड ऑफ अ प्लेस विच एक्चुअली टेक्स योर बायोमेट्रिक टेस्ट. सब एम्बेसी से रिलेटेड काम वहीं होते हैं, पर्टिकुलरली इन दिल्ली इट्स NCP. आप अगर किस स्टेट में, आप चेक कर सकते हैं. और जो मेल आएगा आपको उस पर भी एड्रेस वगैरह सब लिखा होता है, सो दैट वोंट बी एन इशू. आफ्टर लॉजिंग द फाइल एग्जैक्टली आफ्टर 3 to 5 days मैक्सिमम आपका बायोमेट्रिक लेटर आपके ईमेल पे आ जाना चाहिए. दैट इज़ द बायोमेट्रिक थिंग. वो हो जाता है, उसके बाद आपका बेसिकली ये मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकल टेस्ट भी आपका अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद वेट एंड वॉच वाला टाइम शुरू हो जाएगा. तो करंटली मेरे साथ क्या है, अभी मेरा वेट एंड वॉच वाला टाइम शुरू हो गया है. बायोमेट्रिक इज़ अपडेटेड, माय मेडिकल टेस्ट इज़ अपडेटेड एंड इट्स बिन ओवर अ मंथ नाउ कि अपडेट हो चुका है. This was all about today's video. I would request everyone to please keep on checking the registration portal. Registration portal में सारी information daily update होती है. अगर कोई changes होंगे आपको वहाँ देखेंगे. So do not please bother to mail anyone from the study visa team या embassy को आप mail करें, क्योंकि it doesn't make any sense. क्योंकि कोई reply नहीं करेगा या तो बड़ा standard reply आएगा. So wait for some time. After 2-2.5 months I'm 100% sure आपका study visa आ जाएगा. अगर rejection आना होगा तो जल्दी आ जाएगा. एंड 3 महीने तक तो वेट करो ही भाई, टाइम लगता है. तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट. जो भी आइल्स दे रहा है, जो भी स्टडी वीजा के लिए वेट कर रहा है, जो भी PR के लिए वेट कर रहा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो यार, मेरा भी स्टडी वीजा प्रोसेस चल रहा है, जस्ट मैनिफेस्ट इट आउट. प्लीज विश मी लक कि मेरा भी स्टडी वीजा जल्दी से जल्दी आ जाए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस.